जूनागढ़ और गिरनार की ओर से प्रदीप मेहता का जय गुरुदत्त। शनि के उदय होते ही मेष राशि की जिंदगी एक नया मोड़ लेने वाली है। जी हाँ, पुराने दिन वापस लौटने वाले हैं। भाग्योन्नति व ऊर्जा के कारक शनिदेव के नक्षत्र परिवर्तन व उदय होने की अवस्था से आने वाले सप्ताह महीने कमाल के रहेंगे। मकर राशि में चल रहे शनिदेव 21 फरवरी 2022 सोमवार को सुबह 6:11 पर उदित होने से देश ही नहीं किंतु दुनिया में सभी 12 राशियों पर भी उसका अलग अलग असर दिखेगा। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयात निर्यात की नीतियां प्रभावित रहेगी। कुछ राज्यों के बीच राष्ट्रों के बीच उन्माद भी पैदा होगा, तो सत्ता संघर्ष में परिवर्तन के योग भी घटित होंगे। मैंने जनवरी 2022 के मासिक राशिफल में भविष्यवाणी की थी कि देश दुनिया में फरवरी में कोरोना वायरस की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी, भूकंप के झटके महसूस होंगे। और आपने देखा ही होगा कि कोरोना का असर कम हुआ है, तो दिल्ली, नोएडा, कश्मीर समेत देश के कई इलाकों में शनिवार की सुबह भूकंप के झटके महसूस हुए है। 26 जनवरी को गुजरात में भी भूकंप के झटके महसूस हुए थे और मेरी यह भविष्यवाणी 100% सही साबित हुई है। आप चाहे तो वह वीडियो आई बटन पर क्लिक कर देख भी सकते हैं। दोस्तों, शनि की स्थिति में मामूली परिवर्तन भी जिंदगी पर बड़ा असर डालता है, तो शनि उदय का यह प्रभाव मेष राशि पर विशेष रहेगा, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि दशम भाव में उदित होने जा रहे हैं और आपके राशि स्वामी मंगल ग्रह देह भाव एवं आकस्मिक धन भाव के लुढ़ होकर आपके भाग्य स्थान पर बैठे हुए हैं। तो आइए जानते हैं शनि कैसे बदलेगा आपकी जिंदगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेष राशि वालों की कुंडली में शनि देव दशम भाव में उदित होने के कारण आपकी कुंडली में उत्तम और उच्च राजयोग का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण आर्थिक दृष्टि से यह समय आपके लिए अच्छे संदेश लेकर आएगा। आर्थिक जगत में इस अवधि में नए नए आयाम स्थापित करेगा। देश से ही नहीं विदेश की दृष्टि से भी छोटी मोटी व्यापारिक यात्राएं होगी, रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे, दिया गया उधार वापस मिलेगा, तो व्यवसाय कार्य क्षेत्र में आप अच्छा खासा धन मुनाफा प्राप्त कर सकेंगे। इस दौरान जिन्होंने चुनाव लड़ा है उन्हें भी राज सत्ता की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि आपके राशि स्वामी मंगल स्वयं भाग्य भाव पर विराजमान है, जिसकी वजह से आप चुनाव में विजयी हो सकेंगे। संभवतः आपको बड़ी जिम्मेदारी और बड़े पद के लिए तैयार रहना चाहिए। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े लोगों के लिए भी यह समय में खास अवसर मिलेगा। बड़ी मात्रा में पूंजी एकत्रित कर सकेंगे, तो पैसों की आवक बराबर मिलती रहेगी। जो रोजगार की तलाश में है, रोजी रोजगार ढूंढ रहे हैं, उन्हें शनिदेव इस वक्त लाभान्वित करेंगे। रोजगार के जहां अच्छे अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, तो आपके मन के अनुकूल कार्य भी प्राप्त हो सकता है। आप जिस जगह पर जुड़े हुए हैं उसके अलावा किसी अन्य जगह से आपको जॉब का ऑफर मिल सकता है या फिर इंक्रीमेंट हो सकता है। शनि के गोचर काल में स्थायी संपत्ति में कुछ फेरबदल होने के योग घटित हो रहे हैं। आप अपनी संपत्ति में छोटे या बड़े स्तर पर निर्माण कार्य करवा सकते हैं। यदि आप किसी के साथ साझेदारी में व्यवसाय व्यापार शुरू करने जा रहे हैं, तो इस वक्त आप लाभ में रह सकते हैं। अगर आप विवाहित हैं और संतान की उम्मीद कर रहे हैं, तो आपकी आशा पूर्ण हो सकती है। जो लोग लोहा संबंधित कार्य कर रहे हैं, मशीनरी के कार्य, केमिकल प्रोडक्ट, ज्वलनशील पदार्थ, प्राचीन वस्तुएं, पुरातत्व विभाग से जुड़े हुए हैं या फिर कोयला चमड़े का कार्य से जुड़े हुए हैं, अधिक श्रम वाला कार्य, मजदूरी कर रहे हैं, ठेकेदार है, तो आपकी किस्मत चमक सकती है। बड़े लाभ के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि पृथ्वी पर पाए जाने वाले पदार्थ का कारक शनिग्रह माना जाता है, जिसके कारण पत्थर, भवन निर्माण सामग्री के कार्य, समाज कल्याण, ज्योतिष, कर्मकांड आदि से जुड़े जातक बड़े लाभ की उम्मीद रख सकते हैं। भाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। विशेष तौर पर स्थानांतरण चाहने वाले व्यक्तियों के लिए उनकी मनपसंद जगह पर स्थानांतरण भी हो जाएगा। आपके पिता या माता किसी सरकारी संस्था में कार्यरत है या प्राइवेट पदों पर है, तो उनकी भी पदोन्नति के योग बने हुए हैं। मेष राशि में राजयोग के चलते ही आप शेयर बेचने व निवेश अन्य परिसंपत्तियों के निवेश के लिए भी योजनाएं कार्यान्वित करेंगे और उसमें सफल भी हो सकते हैं। इस अवधि में आप जो भी कुछ करेंगे उसमें उच्चता और अंदाज का एक ऐसा होगा, जिसके कारण आपकी नई परियोजनाएं जल्द ही ठोस शक्ल ले पाएंगी। तो दूसरी ओर जिनके पारिवारिक जीवन में विवाद चल रहा था, उनके बीच में भी रिश्ता बेहतर होगा। पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, तालमेल और प्रेम का आगमन होगा।
कई अटके हुए कार्य बनेंगे, कार्यों में प्रगति प्राप्त होगी, तो जो जॉब इंटरव्यू एवं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वह भी अपने आप को सफलता के लिए तैयार रखें, क्योंकि यह समय आपको लाभान्वित कर सकता है। स्नातक, अनुस्नातक, भौतिक शास्त्र, रसायन, आयुर्वेद एवं आईटी से जुड़े छात्र भी लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। तो इस वक्त करियर और नौकरी में स्थिति बेहतर और उम्मीद से ज्यादा जान पड़ेगी। नई नौकरी के भी पूर्ण रूप से योग बन रहे हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर, मैकेनिक इंजीनियर है, सड़क निर्माण का कार्य कर रहे हैं, उनको भी धन से जुड़ा हुआ बड़ा मौका मिल सकता है। एक ओर से कहा जाए तो शनि के उदय होने के चलते आप सच्चे मायने में अपने पहुंच के दायरे का विस्तार करेंगे। अचानक दिलचस्पियों में एक सुखद बदलाव आएगा। इस समय आप संचार माध्यम का, मीडिया का भरपूर उपयोग करेंगे और नए अनुबंधों पर हस्ताक्षर भी करेंगे। दोस्तों, हर व्यक्ति की कुंडली में सुयोग या दुर्योग विद्यमान रहते हैं। ज्योतिष के कई महायोग है जो व्यक्तियों को जीवन की बुलंदियों पर पहुंचा देते हैं, तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं और कुंडली में बन रहे दोषों का निवारण करवाएं, क्योंकि आने वाले समय में जिंदगी में रंग भरने के लिए आपके सामने विशाल कैनवास है। रंगों की प्राथमिकता आप स्वयं निर्धारित कर सके और आप जिस चीज की अपेक्षा कर रहे होंगे उसे दुनिया में सफलता कहते हैं। जहां एक ओर धन संबंधित मामले आपके जीवन के महत्वपूर्ण रहेंगे, तो दूसरी ओर यह वक्त रोमांस और प्यार के क्षेत्र में आपसे अच्छी खासी फरमाई से करेंगे। रोमांस करने का समय प्राप्त हो जाएगा तो नए रिश्ते की तलाश में भटकने वाले लोगों के लिए भी प्रेम प्राप्ति का योग बन चुका है। शनि इस वक्त आपके साथ अन्याय नहीं होने देने वाले, क्योंकि आपकी नई प्राथमिकताओं के दायरे में आपके प्रियजन ही रहेंगे। फिर भी इस समय में याद रखें कि आराम, चैन, स्वास्थ्य की देखभाल, समय समय पर इसकी जांच करना आवश्यक है। दिल को ठेस पहुंचने, दुख, भ्रम, कष्ट मिलने की आशंका भी हो सकती है, तो वही इस समय में कूटनीति से कार्य करें। माना कि आपकी गुणधर्म में ये नहीं है, फिर भी अपना ये तो अच्छा है, सही है। दत्त महाराज आपकी मनोकामना पूर्ण करें। जय गुरुदत्त।